हेलो एवरीवन, पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको होटल और रेस्टोरेंट में नूडल स्प्रिंग रोल कैसे बनाए जाते हैं इसका सबसे आसान तरीका शेयर करूंगी। इस तरह से नूडल स्प्रिंग रोल बनाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और चटपटा स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करते हैं। स्प्रिंग रोल सेट बनाने के लिए मैदा और कॉर्नफ्लोर का बैटर बनाएंगे। एक कप मैदा लिया है, इसे मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। आधा कप कॉर्नफ्लोर, आधी टीस्पून नमक डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बनाएंगे। मीडियम गाढ़ा बैटर बना के रेडी करना है। इस तरह से आसानी से नीचे गिर सके इस तरह का बैटर बनाना है, ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा गाढ़ा। बैटर बनाने में मैंने 1.25 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ढक्कन लगा के इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अभी हम एकदम टेस्टी चटपटा स्टफिंग बनाएंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तिल का तेल डालेंगे। तेल को एकदम गर्म करेंगे। तिल का तेल डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और 1 हरी मिर्च बारीक काट के ली है। लहसुन अदरक और हरी मिर्च को 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से भून गया है। 1 मीडियम साइज का प्याज की पतली और लंबी स्लाइस की है, आधा कप जितनी है। तेज आंच पे लाइटली भूनेंगे। प्याज को 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया है। 1 कप पत्ता गोभी, 1 मीडियम साइज की गाजर और 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च ली है। सबको मैंने पतला और लंबा कट करके लिया है। ये सब अंदर डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे और तेज आंच पे 1 मिनट के लिए भुनेंगे। सब्जी को मैंने साइड में कर ली है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च के साथ में हरा धनिया की डंडी डाल के भुनना भूल गई हूँ, तो अभी मैं 1 टीस्पून तेल डाल रही हूँ। आप सब साथ में ही भून लेना। 1 टेबलस्पून हरा धनिया की डंडी बारीक काट के लिए ये डाल देंगे। ये डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 30 सेकंड के लिए मैंने इसे भून लिया है। सब साथ में कर देंगे। इसे 1.5 मिनट के लिए भून लिया है। गैस की फ्लेम एकदम धीमी कर लेंगे। 2 टेबलस्पून सेजवान चटनी डालेंगे। आपके पास ये नहीं है तो आप रेड चिली सॉस डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, 2 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चीनी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 कप उबला हुआ नूडल्स डालेंगे। तेज आंच पे अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर डालेंगे, चिली विनेगर। तेज आंच पे 1 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी नूडल्स नहीं लेना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसे तोड़ देना है। गैस ऑफ कर देंगे। बहुत ही टेस्टी स्पाइसी स्टफिंग बन के रेडी हो गया है। स्टफिंग को बाउल में निकाल दिया है। ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा होने देंगे। स्प्रिंग रोल सीट बनाने के लिए नॉनस्टिक तवा लिया है। तवा को इस तरह से हाथ से छू सके उतना ही गर्म करना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है और गैस ऑफ कर देना है। मैंने गैस बंद कर दिया है। बैटर को अच्छे से चला लेंगे। 1 लैडल फुल बैटर अंदर डालेंगे और धीरे से इस तरह से स्प्रेड करेंगे। अभी गैस चालू कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 40 से 50 सेकंड के लिए कुक करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एकदम पतला पैनकेक फैलाया है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं करना है। इस तरह से निकलने लगे, तब तक हमें कुक करना है। इतना कुक होने में 40 से 50 सेकंड लगता है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से पैन छोड़ने लगा है, तो अभी हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लेना है। एक डिश को मैंने तेल से ग्रीस कर दिया है, इसके ऊपर हम निकालेंगे। इस तरह से मैंने उल्टा रखा है। जो ऊपर की साइड थी वो मैंने नीचे की तरफ रखी है और नीचे की साइड ऊपर की तरफ इस तरह से रखी है। दूसरा पैनकेक बनाए तभी गैस ऑफ कर देना है और टिश्यू पेपर से तवा को अच्छे से पोंछ लेना है और थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। एकदम गर्म तवे पे डालेंगे तो ये अच्छे से नहीं फैल पाएगा। तवा बहुत गर्म है तो इस तरह से थोड़ा पानी डाल देंगे और नैपकिन से पोंछ के इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। दूसरा पैनकेक डाले तभी गैस चालू नहीं रखना है, गैस बंद कर देना है। बैटर डालेंगे और एकदम हल्के हाथ से इस तरह से फैलाएंगे। जिस तरह से हम डोसा फैलाते हैं उसी तरह से फैलाना है।
गैस चालू करेंगे और मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तवा ज्यादा गर्म होगा तो इस तरह से हम बिल्कुल भी बैटर को ऊपर नहीं फैला सकेंगे। अब देख सकते हैं दूसरा भी बहुत अच्छे से कुक हो गया है, ये पैन छोड़ने लगा है, तो इसे हम निकाल लेंगे। बहुत गर्म है तो धीरे से निकालना है। दूसरा पैनकेक को मैंने दूसरी एक डिश में निकाल दिया है। ये एकदम ठंडा हो जाए इसके बाद आप एक के ऊपर एक रख सकते हैं। गरम गरम पैनकेक को रखेंगे तो ये चिपक जाएगा। स्प्रिंग रोल को चिपकाने के लिए मैदा की स्लरी बनाएंगे। बाउल में 2 टेबलस्पून मैदा लिया है। हमने पैनकेक बनाया, अगर उसका बैटर आपके पास बच गया है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम थोड़ा पानी डाल के एकदम गाढ़ी स्लरी बनाएंगे। इस तरह की एकदम गाढ़ी स्लरी बनाएंगे। स्प्रिंग रोल सीट बना के रेडी कर दी है और इतने बैटर में से 8 से 9 सीट बन के रेडी हो जाती है। चॉपर पे एक सीट ले लेंगे। स्टफिंग एकदम ठंडा हो गया है, इस तरह से रखेंगे बीच में, दोनों साइड से इस तरह से उठा के ऐसे दबा के चिपका देंगे ताकि रोल बनाने में आसानी रहेगी। मैदा की स्लरी बनाई है, ये ऊपर इस तरह से लगाएंगे थोड़ी थोड़ी, ऊपर से इस तरह से उठा के एकदम टाइट रोल बनाएंगे। इस तरह से एकदम टाइट रोल बना लेना है। चिपकाया हुआ भाग जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। स्प्रिंग रोल बना के रेडी कर दिया है, तेल गरम करने के लिए रख दिया है और ये गरम हो गया है। इसमें हम स्प्रिंग रोल फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसे टर्न कर लेंगे। धीरे से उलट पलट के लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये लाइट ब्राउन हो गया है तो इसे निकाल लेंगे। एकदम क्रिस्पी स्प्रिंग रोल बनके रेडी हुआ है। इस तरह से बाकी कर भी फ्राई करेंगे। एक स्प्रिंग रोल को कट करेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनके रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी चटपटा नूडल स्प्रिंग रोल बनके रेडी हो गया है। मैंने इसे सेजवान चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।